आज हम देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है, धीरे धीरे करके काफी अच्छी तेजी और मौके भी दिए स्टॉक ने एंट्री करने के गिरावट में, और उसके बाद शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली। अगर YTD ही देखेंगे जनवरी से लेकर अब तक, तो करीब करीब 28 से 30% की तेजी स्टॉक दिखा चुका है, 213 के पास कारोबार कर रहा है। रुचित, क्या सलाह होगी आपकी गेल इंडिया पर? ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है, हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में जो करेक्शन आया है रिसेंटली, उसका कोई खास असर ये स्टॉक पे नहीं रहा है। सो आई थिंक ऐसे करेक्टिव फेस के टाइम पे जो स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाता है वो रियल स्ट्रेंथ आई थिंक स्टॉक में है। सो मेरे हिसाब से कोई एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो ये ट्रेंड को अभी भी राइड करे, ऊपर पॉसिबल है 220 से 224 के शॉर्ट टर्म के लेवल्स ये स्टॉक में रह सकते हैं जो प्रीवियस करेक्शन के रिट्रेसमेंट टारगेट्स आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 198-199 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अब बन चुका है, उसके नीचे एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे स्टॉप लॉस रखे और इन केस कोई भी डिप्स आते हैं मार्केट के साथ साथ डिक्लाइंस में फ्रेश बाइंग के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गेल इंडिया यहाँ पे भी नजर रखनी है, पर मयूरेश एक बार आपसे समझना चाहेंगे, ये जो आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ काउंटर्स हैं इनमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, मयूरेश अब हमारे साथ नहीं है, पर एक बार दर्शकों के लिए हाईलाइट करना चाहेंगे कि कई समय से जितने भी आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ काउंटर्स हैं उनमें एक अच्छा एक्शन है। हम एक के बाद एक देखे तो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पे भी इनके कुछ सेलेक्ट काउंटर्स हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट के कमेंट्री में भी अब एक चेंज आते हुए दिख रहा है। क्योंकि हम जब से मैं ट्रैक कर रही हूँ, बहुत बार ऐसा नहीं होता था कि कुमार मंगलम बिरला खुद आते थे और अपने अपनी कंपनीज के बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला हो, पर हाल फिलहाल वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदलती हुई ज़रूर नज़र आई हैं और कुछ काउंटर्स भी फोकस में रहे हैं। रुचित, दो काउंटर्स पे टेक्निकल फ्रंट पे आपसे राय लेना चाहूँगी। एक है AB कैपिटल, इस पर मैंने ट्यूसडे को भी जहाँ तक मुझे याद है अंशुल की राय ली थी। एक बार AB कैपिटल पे एक बार आप फ्रेश नज़रिया दीजिए और साथ ही ABFRL ये कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? तो AB कैपिटल में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा गया है। जब आप देखेंगे तो जुलाई महीने से स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था, जुलाई 2023 में 200 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था और ये 200 लेवल का ब्रेकआउट जो है वो अब मार्च एंडिंग में आया है, राइट। तो लगभग 7 से 8 महीने का कंसोलिडेशन देख चुका है स्टॉक और प्रीवियस स्विंग हाइज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे ख्याल से स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव स्टॉक में रह सकता है, बट ये स्टॉक को मोर एक थोड़ा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए रादर देन वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शायद शॉर्ट टर्म के मोमेंटम थोड़े से वॉलेटाइल रह सकते हैं, बट जैसा स्ट्रक्चर एक कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है, सो आई थिंक मिड टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स करंट लेवल से बना के दे सकता है। तो AB कैपिटल पे तो खरीदारी करे, लेकिन थोड़ा मिड टर्म का व्यू रहना चाहिए स्टॉक में। AB फैशन भी रिसेंट जो न्यूज फ्लोस के बाद में जो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, वो गैप अप के बाद में थोड़ा सा डिप आया है, बट डिप में ऐसी कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइस वाइज करेक्टिव फेज शायद अब स्टॉक के लिए पूरा हो चुका है और यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आया, लेकिन पॉसिबिलिटी एक टाइम वाइज करेक्शन की जरूर है जहाँ पे कुछ समय के लिए स्टॉक एक साइडवाइज मूव रहेगा। अब आप विद इन द सेक्टर भी अगर कंपेयर करेंगे ट्रेंड के साथ में, जैसे हम ले तो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर काफी लंबे समय का है स्टॉक में, बट यहाँ पे हमें लग रहा है कि कंसोलिडेशन स्टॉक में कुछ समय तक रहेगा। 260-255 ये रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे अगर 220 के आसपास मिलता है 220-215 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस रहेगा। बट ये सनो, जैसे मैंने कहा कि अब जो अंडर परफॉर्मेंस था टाइम प्राइस वाइज वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये स्टॉक में खत्म हो सकता है। ये दोनों ही काउंटर्स में खत्म हो सकता है, तो इनको आप रेडार पे जरूर रखिए। पर एक और